हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द nimbus online platform सो हेयर वी आर इन दिस पार्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और इससे पहले की वीडियोस में हमने जो है वो चंबा जिला और बिलासपुर जिला की लेक्स के बारे में बात की थी और आज जो है हम मंडी डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कवर करेंगे सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर आप एच एस फिल्म की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सो आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कांगड़ा जिले की देखिए कांगड़ा जिले की हम एरिया की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वो धर्मशाला वाले एरिया में कुछ प्रोमिनंट लेक्स आती हैं और जिनके बारे में हम बात करेंगे देखिए देखिए यहाँ पे जो है एक लेक है आ, सबसे पहले हम डल लेक की बात करेंगे डल लेक जो है वो धर्मशाला से वो बहुत ही कम दूरी पे लेक जो लोकेटेड है डल लेक जो भी इन लेक्स के जो स्टैटिक इफेक्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे डल लेक जो है ये प्रोमिनेंट लेक है कांगड़ा ज़िले की और इसे भागसुनाक लेक भी कहते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है करेरी लेक ये भी जो है आपके पास प्रोमनेंट लेक है अगर हम कांगड़ा जिला की बात करते हैं और उसके हम बात करते हैं यहाँ पे नगरोटा वाले एरिया की बात करते हैं तो नगरोटा वाले एरिया में जो है आपके पास यहाँ पे मछिया लेक बहुत फेमस है लोकल लोगों के लिए मछिया लेक का भी हम बात करेंगे और उसके हम बात करेंगे एक मैन मेड लेक की जो कि बहुत बड़ा रिजर्वायर है देखिए कि यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं ऐसे और इस लेक का नाम है पोंग लेक जो की पोंग डैम की वजह से लेक की फॉर्मेशन हुई है सो तो अपने कांगड़ा जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये लेक जो है वो प्रॉमिनेंट है और हम बात करते हैं मंडी जिले की देखिए मंडी जिले में अगर हम मैन मेड लेक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ आपके पास जो है यहाँ पे पंडो डैम जो कि प्यास नदी में बना हुआ डैम है पंडो डैम और नाम है पंडो लेक और डैम के पास एक लेक की फॉर्मेशन हुई है पंडो लेक सो so, मंडी जिले की हम बात करते हैं मैन मेड की तो ये हम इस लेक हम ध्यान रखेंगे और बात करते हैं अब बाकी के लेक्स का देखिए यहाँ पे जो है रिवालसर जैसे जगह पे जो है इस धार का नाम है धारवीर कोट और यहाँ पे कुछ लेक्स आते हैं जैसे कि कुंत भयोग लेक ये कुंती सर भी बोलते हैं कुंत भोग भी बोलते हैं और सुखसर ये जो है इस धार पे लोकेटेड जो है लेक्स हैं जो धारेरकोट है रिवालसर के बिल्कुल जो जो टाउन है वो बिल्कुल इस धार के बेस पे जो है लोकेटेड है तो इनका हम ध्यान रखेंगे कुंत भयोग सुखसर कालासर और लालसर इस तरह की लेक्स जो है आपको यहाँ इस पे इस धार पे मिलेंगे वैसे कहते हैं कि इस धार पे जो है पहले सेवन लेक्स थी ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स थी सो तो अब कुछ लेक्स जो है वो विलुप्त हो गई हैं और कुछ लेक्स जो एग्जिस्ट करते हैं तो ये, ये इन लेक्स का आपने ध्यान रखना है और बात करते हैं बिल्कुल प्रोमनेंट लेक है इस धार के बिल्कुल बेस में रिवालसर टाउन जहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पे लेक का नाम है रिवाल्सर लेक ये भी जो है इंपॉर्टेंट लेक है लेक लेकिन हम यहां पर ध्यान रखेंगे और बाकी हम बात करते हैं डाउन तो में चलते हैं मंडी के बिल्कुल यहाँ साउथ में चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपके पास प्रोमेंट लेक है जो चार्ट एरिया में आती है जिसका नाम है कामरू नाग लेक ये लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है कामरू नाग लेक तो अगर मंडी ज़िले की बात करते हैं तो देखिए जैसे कांगड़ा ज़िले में मछिया लेक है तो मंडी ज़िले की जोगेंद्र नगर वाले एरिया में भी आपके पास मछिया लेक जो है वो इम्पोर्टेंट है इन लेकों दोनों के दोनों लेक जो है वो और सेम इनका मिथिकल एंगल जो है सेम है मछिंद्रनाथ जो है ऋषि है उनके उन, उनके लिए जो ये है डेडिकेटेड है, है मछिया मच, लेक तो अपने ध्यान रखना है तो ये लेक जो थी कांगड़ा जिले और मंडी जिले की थी तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते, हैं की। बात करते हैं सबसे पहले क्रेरी लेक की लेक जो है, है। ये आपके पास धर्मशाला केल्टीट्यूड के आस पास इसका है और क्रेरी लेक के विकास यहाँ पे देख सकते।, सकते हैं टेम्पल भी आप देख सकते हैं लोकेटेड है और ये लेक जो है वो आप जो है वो जो है धोराधर रेंज जो है वो धोराधर रेंज में जो है वो इनके इंडर स्लोप्स में आती है और काफ़ी लोग जो है इस लेक पे ट्रैक जो है करते हैं विजिट करते हैं बहुत ही सुंदर लेक है करीर देवी का टेम्पल जो आप देख सकते हैं ये साथ में इसकी बैंक भी लोकेटेड है तो बात करते हैं आगे करीर लेक के बाद बात करते हैं डल लेक ही डल लेक को मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसे भागसू लेक भी कहते हैं और लगभग ग्यारह किलोमीटर के साथ धर्मशाला से ये लोकेटेड है और ये आप ध्यान रखना कि जो विलेज है जिस लेक के पास में है धती से तोता विलेज ध्यान रखना है। 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 है ऐसा कहता है, और 1775 meter जो इसका altitude है, और यहां पे जो पे पे दिनों के बाद एक मेला होता है जिसका नाम है राधाष्टमी यह भी आपने रखना है यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि लॉर्ड द्रिवेश्वर के नाम से जाना जाता है और इसे जो है, 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 है बिल्ड किया था तो डे के बारे में ये चीजें रखनी है बात करते हैं मछियाले की जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कि मछियाले जो है नगरोटा वाले एरिया में आती है दो किलोमीटर है नगरोटा भुआ से और ये विलेज का नाम आपने द्या, स्पेसिफिकली ध्यान रखना है ममटा विलेज जो है और इस विलेज में ये मछियाल लेक लोकेटेड और कहते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग जो है वो ट्यूजडे के दिन सैटरडे के दिन यहाँ पे आते हैं और जो फिश है उनको फीड करते हैं और मचिंद्रनाथ जो महादेव हैं उनपॉर्टेंट प्रोमिनट डेटी हैं जिनके लिए लेक जो है डेडिकेटेड है और कहते हैं कि भगवान विष्णु जी का अवतार भी मानते हैं और इस ये जो लेक है दैट इजेट ऑन द बैंक ऑफ स्मॉल स्ट्रीम जावर्ल्ड स्ट्रीम जो है यहाँ पर ध्यान रखना है और कहते हैं कि जब भी ममता विलेज में कोई शादियाँ होती हैं तो यहाँ पे इस लेक में लोग विजिट करते हैं और निमंत्रण देते हैं मजेंद्र महादेव जी को तो ये भी चीज़ अपने ध्यान रखनी है मछिहाल लेक के बारे में तो आगे चलते हैं बात करते हैं पोंग लेक की देखिए पोंग लेक जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक मैनमेट लेक जो कि पोंग डैम की वजह से जो इसके लिए की फॉर्मेशन हुई है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था नाइन एट्टी थ्री में यह पे ध्यान रखना है रामसर वेटलैंड भी है देखिए हिमाचल प्रदेश में तीन ही रामसर वेटलै जो है वो वेटलैंड साइड्स हैं हम मुझे रेस्ट दो बताएंगे वो कौन सी है कमेंट सेक्शन में तो ये अपने ध्यान रखना है कि वे रामसर वेटलैंड में जो है वो पांगलेक आती है और नवंबर टू थाउजेंड टू जब इसे जो क्लियर किया गया था तो अपने ध्यान रखना है और इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं जैसे मैंने बताया देखिए ये लेके यहाँ पे इस तरह से जो है देहरा गोपीपुर वाले एरिया में लोकेटेड है और इस और इसलिए की खास बात यह कि यहाँ पे रेड नेक क्रीम मिलते हैं जो तो कि बहुत ही रेड स्पीसीज माइग्रेटेड बर्ड है और देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो सिर्फ भरतपुर राजस्थान में जो है ये आपको देखने को मिलेंगे और सिर्फ स्पॉन्ग लेक में देखने को मिलेंगे रेड नेक क्रीम तो इसलिए की और ये खास बात है तो हमें ये ध्यान रखना है और टू हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया है एवरेज इसकी बात करते हैं घटता और बढ़ता रहता है सो और ऋषि वाली की रेंज में आती है और कहते हैं कि डिसेक जो है फॉर्म पाई बिल्डिंग द हाइएस्ट अर्थ फील्ड इन इंडिया तो ये भी आपने ध्यान रखना है पोंग के बारे में आगे बात करते हैं मंडी जिले में चलते हैं मंडी जिले में बात, सबसे पहले बात करते हैं कामरुनाग लेक की देखिए ये लेक जो है बहुत ही प्रोमोनेट लेक है और थ्री थ्री थ्री, थ्री फोर मीटर जो है वो एल्टीट्यूड है देखिए कामरूनाग लेक जो है कामरुना देवता जो है वहाँ के उनके नाम से जो है इस लेक का नाम पड़ा है और ये बहुत ही जो है हॉली लेक है लोग दूर दूर से यहाँ पे विजिट करते हैं पंद्रह जून के आसपास जो है यहाँ पे फेयर होता है और और कहते हैं कि शिवरात्रि फेर के टाइम पे जो है शिवरात्रि जो आपका जो जहाँ पे माथुरा की जलेब चलती है और शिवरात्रि फिर तभी स्टार्ट होता है जब कामरनाथ देवता जी वहाँ पे उनका जो है वो वहाँ पहुँचते हैं सो so, बहुत ही हॉली लेक है यहाँ पे लोग दूर दूर से विजिट करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जी है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की ऑफरिंग करते हैं ये भी अपने ध्यान रखना है और दे ऑफर गोल्ड सिल्वर कॉइंस है यार आप देख सकते हैं पिक्चर में देखिए बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे ऐसे कॉइंस मिलेंगे नो आपको जो है वो करेंसी मिलेगी जो कि लेक uh, के अंदर जो लोकेटे है लोकेटेड है सो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए या जिनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है वो इस यहाँ इस तरह से गोल्ड और सिल्वर की ऑफरिंग करते हैं देखिए अगर आप यहाँ इस लेक को अप्रोच करना है तो आप रोहांडा से जो अप्रोच कर सकते हैं चचौर तहसील में ये आती है और रोहान्डा जो है अगर आप सुंदरनगर से रोहांडा आप पहले पहुँचोगे और फिर रोहडा से जो है ट्रैक है अबाउट सिक्स किलोमीटर का और तीन या चार घंटे के आसपास जो है इससे जो है वो इस लेक पर पहुँचने के लिए टाइम लगता है सो ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस लेक को जो है विजिट करना चाहिए तो कामरोना लेक के बारे में अपनी स्टेटिक फैक्ट जो है ध्यान रखने हैं बात करते हैं रिवालसर लेक की देखिए रिवाल धार के बिल्कुल बेस में जो है ये लेक जो है लोकेटेड है तो रिवालसर लेक की खास बात यह कि आपको तीनों धर्म यहाँ पे मिलेंगे हिंदू धर्म के लोग आपको मिलेंगे और सिख आपको मिलेंगे और जो है वो बुद्धिज़्म कल्चर भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा सो so, बात है अगर हम बात करते हैं देखिए इस लेक को तो इस लेक को जो है वो लेक इस लेक इज़ आल्सो नो एज़ अ फ्लोटिंग आइलैंड लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े जो है वो तैरते रहते हैं इसलिए इस लेक को जो है वो फ्लोटिंग लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं रिवालसल लेक का अपने ध्यान रखना है देखिए हम बात करते हैं ये बहुत ही जो है वो हॉली लेक है और फॉर बुद्धिज़्म और पंद्रह सुबह के लिए जो ये लेक डेडिकेटेड है जैसे कि आपको मैंने पहले भी लेक्स में बताया कि कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी देवता के और पर्सन से जो है वो कोई लेक डेडिकेटेड होती है तो यहाँ पे जो है रिवालस लेख तो की बात करते हैं तो पदम संभवा जो है अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो उनके लिए ये लेक डेडिकेटेड है कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को जो है सेक्रीफाइस किया था जिस सेक्रीफाइस की वजह से जो इस लेक की फॉर्मेशन हुई थी एक मिटिकल एंगल भी है इस लेक का और हम बात करते हैं देखिए इस हिंदुज़म की बात करते हैं लोमो ऋषि का तपोस भी इसे माना जाता है लोम शिशी का था उस माना जाता है ये अपने ध्यान रखना है और अगर हम बात करते हैं सिख की सिख सिखिज्म की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था इसलिए वहाँ पे गुरुद्वारा भी जो है बना बना हुआ है तो इस तरह से तीनों धर्म जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और रिवालसर फेयर होता है चिशू फेर भी बोलते हैं जो कि बुद्धिज़् बौद्ध बहुत, बहुत लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है चीशू फेयर जो कि मार्च के महीने में होता है ये भी अपने ध्यान रखना है रिवालसर और इसके आसपास आपको छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी और इसके सरफे एलिवेशन जो है वन थ्री सिक्स के आसपास एलिवेशन है और रिवासल लेक जो यहाँ पे कहा है कि आसो नोने सो तो पीमा लेक ये अपने ध्यान रखना है अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं सो तो पीमा भी कहते हैं सो so, इसका एरिया जो है आस पास वन सिक्स किलोमीटर के आसपास भी आसपास है जो कि आप इसको थोड़ा कन्फर्म कर, करना ये बाकी में विकीपीडिया में जो इन्फॉमेसन दी है सही है या नहीं है और इस तरह के कुछ स्टडी इफेक्ट हैं जो अपने ध्यान रखें रिवासल लेक के बारे में आगे चलते हैं बात करते हैं मछिया लेक की मछिया लेक देखिए जैसे कि कांगड़ा जिले की या मंडी जिले की जोगिंद्र नगर वाले एरिया में आठ किलोमीटर साउथ वर्ड्स आपको ये लेक देखने को मिलेगी बहुत ही लेक है लोगों की और यहाँ पे फेर भी होता है विसाखी के टाइम पे और जो है इस लेक से टू किलोमीटर साउथ वर्ड्स जो है आपको मार्शल फॉर्म भी मिलेगा बराड़ू जो जगह है जहाँ पर ये मार्शल फॉर्म लोकेटेड है देखिए मछिया लेक मचिंद्र नाथ जो है कृषि जिन जिनके लिए जो है ये लेक डेडिकेटेड है अपना ध्यान रखना रखना है और मत्स्य अवतार कहते हैं उनको और विष्णु द फिश गॉड तो अपने ध्यान रखना है ये लेक जो है बहुत ही जो है वो लोकल लोगों के लिए जो एक हॉली लेक है तो मछियाल लेक और uh, किस जगह पे आती है ये अपने ध्यान रखना है आगे चलते हैं प्राशर लेक की बात करते हैं देखिए ये भी बहुत ही प्रोमानेंट लेक है प्राशर लेक वेरी ब्यूटीफुल लेक और बहुत ही अद्भुत लेक है अगर आप विजिट करेंगे जिस तरह से इसकी लेक की लोकेशन है और इस लेक uh, कहते हैं कि प्राशर ऋषि का एक तपस्थल कहते हैं और इस लेक एक बिल्कुल और किनारे में ये टेंपल लोकेटेड है और ये पगोडा स्टाइल में जो है टेंपल है और इस टेंपल का कहते हैं जो है बाण सेन जो है मंडी राजा थे उन्होंने इस टेंपल की जो है वो स्थापना की थी अराउंड थर्टीन फिफ्टी सेवन एटी के आसपास अगर मैं ठीक हूँ और अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फेर होता है जैसे कि कामरनाग लेक में पंद्रह जून के आसपास फेर होता है तो यहाँ पर भी प्राशर में भी जो है फेर होता है पंद्रह जून के आसपास तो अपने ये ध्यान रखना है इस लेक में जो है देखिए एक आइलैंड है उसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं इस लेक को फ्लोटिंग आइलैंड फ्लोटिंग आइलिंग आइलैंड नहीं कहते हैं तो लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड हाई स्कूल लेक को हम नहीं कहेंगे कि अपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हाँ एक फ्लोटिंग आइलैंड जरूर है इस लेक में जो कि अपने डायरेक्शन जो है अपनी पोजिशन चेंज करता रहता है थ्रू आउट द ईयर तो अपने ध्यान रखना है सो so, क्वेश्चन किस कंटेक्सट में आता है तो अपने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी सी लेक में जो है ऐसा फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि अपनी पोजिशन चेंज करता रहता है तो वो है किस लेक में ऐसा होता है तो प्राशर लेक और अगर कौन सी सी लेक है जैसे लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं तो वो आपके पास रिवासर लेक है तो अपना ध्यान रखना है आगे चलते हैं और बात करते हैं पंडोले की देखिए पंडोल डैम की बस लेक की फॉर्मेशन हुई है जैसे कि मैं आपको बताया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पंडोल डैम के हाइड्रोल पोटेंशियल जो है कितनी है तो इज इन द डिस्ट्रिक्ट मंडी और बात करते हैं बाकी की कुछ लेक्स देखिए जो कि धार वीरकुट में आती हैं कुमती सर जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी लेक है तो जो धार वीरकुट में आती है रिवाज टाउन हूँ बिल्कुल जो पहाड़ियाँ ऊपर की पहाड़ियाँ उसे धार वीरकुट कहते हैं आ, धार वेरकोटना ध्यान रखना वहां पे ये सारी सारी लेक्स आपको मिलेंगे कुंतीसर एक कुंतभिहोक सुखसर लेक कालासर लालसर ऑल दिस लेक्स सबसे चढ़ धार वेरकोट मंडी ऑन बेस ऑफ तो सब ध्यान रखना है तो आज हम जो है वो यहीं तक कवर करेंगे आ, हमें दो जिलों की जो है वो कांगड़ा और मंडी जिले की जो है लेक्स में स्टडी कर लिया उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो भी हमने स्टडी कर लिया आई होप ये कंटेंट जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और किसी तरह का डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं सो टिल देन ओके स्टूडेंट्स थैंक यू टेक यू